लग दो दिन में सोने चली जाएगी तो तो गाइस ये 50 साल की बुढ़िया अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए घरों का बोरा उठाएंगे ये मुझको घर कौन लेके जाएगा बड़ा उमाता तो दूध पी ले ले सो आई लव पीले दांत। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल व्लॉग्स। क्या हुआ? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज है क्यों हंस रहा है? आज मतलब साल का लास्ट दिन कल है, 1 जनवरी को आता है। 1 जनवरी को आता 31st। तू तो कलाकार आदमी है भाई। नहीं, न्यू ईयर भी आता है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को न्यू ईयर आएगा ना। आज 31st है, मतलब कि आज साल का लास्ट दिन है। और अभी सोनिया ब्रेकफास्ट में बना रही है, लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं ये किसके पकौड़े? मिक्स वेज के। मिक्स वेज के? ओ माय गॉड, क्या क्या है मिक्स वेज में बताओगी जरा? गाजर, मटर। और तुम मम्मी की जर्सी पहन रही, कभी मेरी जैकेट पहन रही, तू पागल पागल हो गई है क्या? तो यार ये पकौड़े मतलब कि पता नहीं क्या 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 पता क्या क्या इसका। गाजर, मटर, आलू और पूरा किचन देखो यार कैसे। और पनीर, जब ये कुकिंग करते तो पूरे किचन की हालत ऐसी हो जाती है। देखो अब ढक रही है। तो ये हमारे पास ग्रीन चटनी है, रेड है और ये रस भरी पता नहीं क्या भैया ले आए, जो कि मुझे कतई पसंद ना नहीं है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और बच्चे भी आ गए इधर काबू। तो यार अब सोने चली जाएगी, लग दो दिन में सोने चली जाएगी, तो मुझे बड़ा ही खेद होगा। कूद चली जाएगी तो मन भी नहीं लगेगा, तो लग जाएगा। ऐसे कबाड़ी हम क्या करेंगे, रोक के। और मैं इधर ही रुकने वाला हूँ, वैसे घर में पापा के पास अभी कुछ टाइम डुगू के पास नहीं जा रहा, पर लेकिन लेकिन छुट्टी पड़ रही है और डुगू आ रहा है इधर ही रहने के लिए। दोनों करेंगे शैतानी। ये भी आ गया काफी, बहुत गंदा लग रहा है। तेरे बाल सारे बाल खड़े हुए हैं। टोपा से हो गया। टोपा तो पहले फिर उतार क्यों रहा है, स्टाइल क्यों मारा टोपा उतार के? तो दीदी आएंगी शायद कल, वाल आएंगी वो बोली देखा जाएगा। तो देखो ब्रदर वो आएगा, थोड़ी मस्ती करेंगे। और अभी सोनिया ने पकौड़े बना लिए हैं, ये जा रही है लास्ट डेज, वैसे काम करवा रहे हैं। कल हमने बनाया था गाजर का हलवा। हाँ गाजर का हलवा कहाँ है वो तो दिखा दे। सोनिया से गाजर का हलवा बनाया था, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरा मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे जाना था उज्जैन और 3 दिन से टिकट की ट्राई कर रहे हैं। और महाकाल ने इसको नहीं बुलाया, महाकाल ने बुलावा नहीं भेजा, मुझे नहीं बुलाया। कल तो मतलब सच्ची में रो गया था यार, मेरा बहुत ज्यादा मन था मतलब जाने का। भोग नहीं लगा लगा दिया मैंने 3 महीने। अच्छा एक एक दे के आया तो क्या था मैं खोई लिया है मम्मी गाजर का हलवा, ये होम मेड गाजर का हलवा। टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। खाया नहीं तूने? खा लिया था कल नहीं, तो मैं टेस्ट करूंगा, मैंने टेस्ट नहीं करा। ये बनाया है मेरी गाजर का हलवा, पर मैंने भी ना पूरा ये सोच लिया है कि जब तक मैं मतलब उज्जैन नहीं जाऊंगा महाकाल के दर्शन करने के लिए न्यू ईयर के बाद, मतलब नए साल में, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा मतलब घूमने के लिए। जितनी जगह भी जाता हूँ ना, कहीं भी एक भी जगह नहीं जाऊंगा, ये मैंने भी डन कर लिया है। तो देखते महाकाल कब तक नहीं बुलाते, वो जीत दिया तो मैं भी जीत दूँ, पर लेकिन उनसे पंगा नहीं ले सकते यार, वो थोड़े ऐसे ही है। देखेंगे यार, अपनी जिद पे आगे तांडव मचा देंगे मेरी जिंदगी में। तो मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा, बट जल्दी जाएंगे, कमिंग सून। मैंने यार क्यों नहीं बुलाया, हर बार टिकट हो जाती है, लेकिन 3 दिन से लगातार टिकट ट्राई कर रहा हूँ, टिकट दे बैड लगता। चलो कोई ना, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, शूट करूंगा क्योंकि अभी मैं खा लेता हूँ मेरे पकौड़े ठंडे। क्या मिलते हैं पनीर के पकौड़ों? पनीर के बना दिए, मुझे तो पनीर के बिल्कुल ना पसंद, मैं तो मिक्स ही खाऊंगा। चलो यार बाकी शूट करते हैं बाद में। तो गाइस ये 50 साल की बुढ़िया अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए मुझे उठाने जा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरी काम और छुट्टी तो मैं की जिम्मेदारी है, और ये बीमार थी कुछ ऐसा सुनने में आया था, देख लो उठाओ। शाबाश बेटा, 70 किलो
बुढ़ापे में जवानी कूद रही ये जंगली जवानी दोनों। सांस ले लू तो गाइस 70 साल की बुढ़िया ने ये अपनी शक्तियों का जो पुरानी शक्ति है इसकी। कुकू ताली बजाओ पहले, कुकू ताली बजाओ। कट रहे हो तुम तो बच्चा खुश हो गया ताली बजा के और फाइनली चैंपियन फाइनल ये का चैंपियन भाई ये जीत चुके हैं। और मुझ पर नहीं उठाई गई एक और उठाएगा तो उठा अरे तो दीदी ना उठाई जा रही मैं पंगा जो उठा लूं। नहीं उठा लेना एक और होगी पागल जी। अभी हमें सांस आ गई है तो दोनों भी देता है अब मुझको और घर कौन लेके जाएगा। सॉरी मैं तो घर कौन ये दर्शक आए दूर दूर तक अब मुझको घर कौन लेके जाएगा बड़ाऊ माता। सच बताओ तो आज मिलते घर जाके नेक्स्ट व्लॉग तो वैसे दीदी आ गई यहाँ पे और उधर सोनिया इन्हें मैं डायरेक्ट बच्चों को घर पे छोड़ के आई है पिज्जा खाने के लिए आई है। मुझे याद आया कि शूट भी करना वो मैंने शूट किया बाद में जब प्लेट खाली हो गई है। झूठ और सोनिया कल जा रही और सोनिया कल जा रही है। अरे कैसा लग रहा फिर रोना नहीं ये पुच्चू लग रही कैसा लग रहा है बच्चों को घर छोड़ के आई है। ये चीज बोल के आई है कि अगर मुझे लेके जाओगे मतलब खिलाने के लिए तो ही मैं आऊंगी और आ गई अपने बच्चों को नन्हे छोटे इसके तो इसका तो कितना छोटा इसका तो तेरे बचपन के टाइम पे तो खुला पड़ा था ये इसके तो जन्मभूमि है आपकी। तो कैसे वही ये वही शिमला के गांव में आई हुई है हसनपुर में जब मैं पैदा हुई थी ना यहाँ पर हॉस्पिटल था। सच्ची बात मजाक मार लिए सोनिया सोनिया क्या आपके कोलगेट में नमक है ऐ बता ना क्या आपके ऐ नहीं क्या आपके कोलगेट में नमक है तो नमक वाली कोलगेट लो ये पीला पर हट जाएगा। नहीं है आप नहीं दिखा देना जो तू 2 महीने में ब्रश करती है उसका पीलापन भी रहते दांतों पे देखो मेरा और सोनिया आओ सोनिया दिखाएगी एक बार फिल्टर लगा लेगी दांतों पे फिल्टर लगते है कोई हाँ, और अच्छा जी दांत और होठों पे तो सबसे ज्यादा फिल्टर लगा के ब्लॉग में डालती है। नहीं यार मेरा वो नेचुरल मेरे लिप पिंक है और मेरे नेचुरली की तो मैं भी तो कह रही हूँ मेरे गालों पे थोड़ा थोड़ा ये नहीं मैं चिक्स नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नमक वाला कोलगेट भर लेगा थोड़ा थोड़ा इतनी वो बन रही है बहन की साइड ले रही है क्या आपकी गालों में ये मेरी जान है गालों में उतरने की कोशिश करी ना ले तो दूध ही पी ले पी ली मैं ही पी के बैठा हूँ। खा लिया भी निकलेंगे हम घर पे दीदी आ गए बच्चे आ गए पंगा नहीं लेने का बर्तन डालेगी तो ब्लॉग डालूंगा सदमन की कुटाई हो सकती लेकिन ब्लॉग 3-4 दिन बाद डालूंगा अगर मामला ठंडा हो जाए उसी दिन हमारा प्रोग्राम बन रहा होगा कहीं जाने का फिर कहेंगे लोग देखते ही पिज्जा खाने भी नहीं को देख आई और ये बोल के आई जा रही हूँ 10 मिनट में आ रही हूँ वॉशरूम जा रही हूँ यार सच में बाहर बना के आया क्योंकि मम्मी ने सब्जी बनाई थी बहुत भाई यार बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का उस चक्कर में नहीं मैं तो जा रही हूँ दोनों मेरे मैंने गूंगी सब्जी बनाई थी गूंगी मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है सिंपल सीना ना मगना मेरे उस चक्कर में मार्केट तो अभी जा रहे घर पे देखता हूँ घर जाके शूट करूंगा बाकी का बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टाटा आई लव पिज्जा आई लव पीले दांत।